काले कारोबारी जो नशे के रूप में सोलन के युवाओं को मौत बेचने में लगे हैं, पहले तो ये काला कारोबार विदेशी और पड़ोसी राज्यों के तस्कर हिमाचल में आकर करते थे, लेकिन अब तो हिमाचल के युवाओं के साथ साथ अध्यापक भी चिट्टे के काले कारोबार से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोलन पुलिस ने भी ठान लिया है कि वे नशे के काले कारोबारियों को बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे वो विदेशी हो या फिर देसी या फिर हिमाचली ही क्यों ना हो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उनकी टीम द्वारा गश्त पर जब पंजाब की गाड़ी की चेकिंग के दौरान रोका गया तो कार में बैठे दो व्यक्तियों के पसीने छूट गए और दोनों पूरी तरह से हड़बड़ा गए। पुलिस को दोनों पर शक हुआ तो डैशबोर्ड पर रखे बैग को जांचा गया तो उसमें 3.32 ग्राम चरस, 2.57 ग्राम अफीम और 0.25 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। फिलहाल दोनों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया है और उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज है वो जुब्बल का रहने वाला है और सोलन में सरकारी स्कूल में इंग्लिश का लेक्चरर है। दोनों को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोलन शिक्षा का हब है और यहाँ सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान है, इसलिए नशे के कारोबारी सोलन को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन यहाँ खतरे के संकेत तो अब हैं, जब पहले बाहरी राज्यों से नशे सोलन में बेच रहे थे लेकिन अब अध्यापक भी काले कारोबारियों से जुड़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनावों के लिए आज 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की ओर से तुलसीराम शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर राधा कृष्ण व प्रवीण ठाकुर ने नामांकन पत्र भरा है। आपको बता दें कि तुलसीराम हमीरपुर जिला के वटसर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आजाद उम्मीदवार राधा कृष्ण देहरा विधानसभा व प्रवीण ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पटलांदर पंचायत से संबंधित है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की संख्या 11 हो गई है, लेकिन संसदीय क्षेत्र में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही रहेगा। नामांकन पत्र भरने के बाद राधा कृष्ण ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है और विकास करवाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद ने विकास को लेकर रुचि नहीं दिखाई है और मौका मिलता है तो काम करेंगे। वहीं इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के उम्मीदवार तुलसीराम ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों के द्वारा केवल मात्र झूठे वायदे ही किए जा रहे हैं और अगर मुझे जनता वोट देती है तो संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। हम बहुत सारे मुद्दों जिनको मैं जो है चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं है जैसे अनुराग ठाकुर जी, रामलाल जी, अन्य कैंडिडेट हैं। तुलसीराम शर्मा जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है वो मुद्दों पर आधारित है। मेरे मुद्दे 9 या 10 होंगे, उनमें से सबसे पहले मुद्दा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल मैं एक जिम्मेदार हूँ, बेसिकली मैं सिर्फ जिम्मेदार हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। तो बात ऐसे है, किसान का बेटा होने के नाते आजकल जो है पशुओं, आवारा पशुओं और आवारा बंदरों और बेसारा पशुओं के से की भरमार लगी है। इसकी वजह से बहुत सारे जो इज ए कैंडिडेट फॉर फ्रॉम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हूँ, मैं इनसे मुद्दों पर आधारित जो है किसानों की समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। बेसिकली जैसे आवारा पशु हैं, बंदर हैं, है जी, और भी मेरा बहुत सारे मेरा लिखित रूप में आ जाएगा इसके बारे में मैं क्या करना चाहता हूँ और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना हूँ। मेरे 9 या 10 मुद्दे हैं, वो आपको लिखित रूप में मिल जाएंगे,